हेलो एवरीवन, मेरे पास बहुत सारे पेरेंट्स की रिक्वेस्ट आई थी कि बच्चों पे वीडियो बनाना चाहिए, तो आई ऑल्सो फेल्ट के इट इज़ गुड टू टॉक अबाउट चिल्ड्रन। बच्चे बहुत प्यारे लगते हैं, बहुत क्यूट होते हैं, उनकी जो चुलबुलाहट है, उनकी छोटी छोटी शरारतें हैं वो अच्छी लगती हैं, मगर वही चुलबुलाहट या वही शरारतें बढ़ जाती हैं तो क्या होता है? पेरेंट्स सब घबरा जाते हैं और फिर हमसे बोलते हैं कि कुछ तो उनके बारे में बताओ, कुछ तो सोल्यूशन दो। सो लेट अस टॉक अबाउट दीज चिल्ड्रन टुडे कि बच्चों में हमें क्या क्या चीज़ें नोटिस करनी चाहिए जो लगता है कि उनको प्रॉब्लमेटिक बना रही है, एंड वी कैन हेल्प देम आउट। सबसे पहली चीज़ उनके इमोशंस, हमको बच्चों के इमोशंस को देखना चाहिए कि कहीं उनके इमोशंस एक्सेसिवली बढ़ तो नहीं रहे, इमोशनल आउटबर्स्ट तो नहीं हो रहा। इमोशन से मेरा मतलब है उनकी खुशी, उनका गुस्सा, उनका रेज, ये जो हमारी फीलिंग्स हैं अलग अलग, वो हमारे इमोशंस हैं। तो बच्चों में भी वो इमोशंस देखने में आते हैं कि बच्चे अत्यधिक खुश तो नहीं हो रहे हैं, ज़्यादा रो तो नहीं रहे हैं, उनका गुस्सा कहीं ज़्यादा तो नहीं बढ़ रहा है, उनके टैंट्रम्स तो नहीं बढ़ रहे, उनकी जिद तो नहीं बढ़ रही है। और ये चीज़ें अगर बढ़ती हैं सो दैट इज नोटिसेबल, जिसको हमें नोटिस करना चाहिए। उसके लिए खास बात मैं आपको बताना चाहूंगी कि 3 साल की वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनका रैशनल, जो ब्रेन का रैशनल डेवलपमेंट है वो नहीं होता है। दैट मींस कि वो सही गलत के बारे में डिसाइड नहीं कर पाते, वो ज्यादा नहीं सोच पाते। बट 3 इयर्स के बाद बच्चों का रैशनल डेवलपमेंट, ब्रेन का रैशनल डेवलपमेंट होने लग जाता है, जिसके अंदर वो समझ पाते हैं कि क्या सही है क्या गलत है और क्या हमें करना चाहिए क्या हमें नहीं करना चाहिए। एंड पेरेंट्स की हेल्प से वो चीज़ें और अच्छे से उनको मालूम होने लगती हैं, वो मैनेज कर पाते हैं। सो यू हैव टू डिफ्रेंशिएट कि बच्चा 3 साल से नीचे का है या 3 साल से बड़े होने के बावजूद भी अगर उसके इस तरह के बिहेवियर्स कंटिन्यू हो रहे हैं। तो इमोशंस के बारे में मैंने आपसे बात करी। दूसरा, मैं आपसे बात करूँगी कि बच्चा अपने शेल में तो नहीं जा रहा है, कि अपने आप में गुमसुम बैठा है, चुपचाप बैठा है, या किसी से बात नहीं करना चाहता है। आप उससे कुछ बात कर रहे हैं तो आपको बहुत रूड बिहेवियर या रूड आंसर्स दे रहा है, आप से कतरा रहा है, आई कांटेक्ट नहीं कर रहा है, उसके फेस पे मुस्कुराहट नहीं है, ब्लैंक है, और इस तरह के एटीट्यूड को वो अपना रहा है। थर्ड थिंग विच यू नीड टू नोटिस इज कि आपसे बच्चा झूठ तो नहीं बोल रहा है। छोटी छोटी बातों पर अगर वो झूठ बोलने लगता है, लाइन, बेटा आपने देखा, नहीं मैंने तो नहीं देखा, बेटा आपने ये चीज खाई, नहीं मैंने तो नहीं खाई, मुझे नहीं पता कहाँ है, मुझे नहीं पता क्यों है, होमवर्क किया, हाँ मैंने कर लिया, लेकिन जब आप नोटबुक्स खोलकर देखते हैं तो उसका होमवर्क नहीं करा हुआ होता है। सो छोटी छोटी बातों पे अगर बच्चा आपसे झूठ बोलने लगता है, सो दैट इज अ नोटिसेबल चेंज विच हैज टू बी टेकन केयर ऑफ। बच्चे की उद्दंडता तो नहीं बढ़ रही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो तोड़फोड़ कर रहा है चीजों को, बात नहीं सुन रहा है, लड़ाई झगड़े में बहुत ज्यादा फंस रहा है, अपने साथ के जो फ्रेंड्स हैं, एजमेट्स हैं, क्लासमेट्स हैं, उनके साथ शरारतें कर रहा है, उनके साथ मार पिटाई कर रहा है, आए दिन झगड़ों में फंस रहा है, स्कूल से शिकायतें आने लगती है, तो ये चीज, ये उद्दंडता उनकी अगर बढ़ रही है तो वो देखने की बात होती है। स्कूल में भी आपको रिपोर्ट लेनी पड़ेगी कि स्कूल में उसका एटीट्यूड कैसा है, वो स्कूल के टास्क पूरे कर रहा है कि नहीं, वो अपनी जगह पे एक जगह टिक कर बैठ पा रहा है कि नहीं, कहीं उसका दिमाग सारा टाइम शैतानियों में तो नहीं लगा रहता कि किधर क्या करना चाहिए, किसी टीचर को कैसे परेशान करना है, अपने साथियों को कैसे परेशान करना है, झगड़ों में फंसना है, ये सारी चीजें तो नहीं हो रही है। तो इन सारी बातों को भी देखना पड़ता है कि स्कूल में से उनका बिहेवियर किस प्रकार का है, स्कूल के टीचर्स उनको, उनके बारे में आपको क्या रिपोर्ट दे रहे हैं। दीज चेंजेस आर क्वाइट नोटिसेबल, जिनको ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि अगर आपका 8 साल का बच्चा चिल्ला रहा है, गुस्सा कर रहा है, इज इट नॉर्मल पब्लिक प्लेसेस पे, सोशल गैदरिंग्स में उसका एटीट्यूड कैसा है, क्या वो सोशल गैदरिंग्स में आपके हिसाब से या लोगों के हिसाब से जो हमारे नॉर्म्स बने रहे उसके हिसाब से एक्ट आउट कर पा रहा है या कर पा रही है। अगर नहीं कर पा रही है देन इट इज अगेन अ प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर कि एक 8 साल का, 7 साल, 8 साल का बच्चा
आपके गेस्ट आए घर में और वो आपसे जिद कर बैठता है कि नहीं, मेरी डिमांड अभी पूरी करनी है, आप जो गेस्ट को खिला रहे हो पहले मुझे खाना है, उसके बाद आप उनको सर्व करोगे, जो कि उस वक्त उसकी डिमांड जायज नहीं होती है। इस तरह के एटीट्यूड अगर बच्चे का, आई थिंक 8 साल का बच्चा तो अंडरस्टैंडेबल होता है कि हाँ, अगर कोई मेहमान आए हैं और पेरेंट्स ने समझा दिया है तो पहले हमको उनको, वी आर द होस्ट, तो हमको पहले उनको वो सारी चीजें सर्व करनी है, एंड देन वी हैव टू लुक इनटू इट। क्या आपका बच्चा फोकस कर पा रहा है कि नहीं, लेजी तो नहीं हो रहा है? अगर आप उसके अंदर लेजीनेस देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि वो फोकस नहीं कर पा रहा है, चीजों में इंडल्ज नहीं हो पा रहा है, देन दैट इज ऑल्सो एन ऑब्जर्वेशन। बिहेवियर चेंज अगर इस तरह का हो रहा है, आपका बच्चा जो काफी चंचल और एक्टिव था वो लेजी हो रहा है, इंडल्ज नहीं हो रहा है, बेड पे लेटा रहता है, सोने का मन करता रहता है, कुछ काम करने का मन नहीं करता, देन इट इज अ मैटर ऑफ कंसर्न, जिसको ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट थिंग, वॉट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट जिसके बारे में पेरेंट्स बात नहीं करते हैं और ध्यान भी नहीं देते हैं, आपको ये भी नोटिस करना होगा कि क्या आपका बच्चा किसी तरह की सेक्सुअल एक्टिविटी में इंडल्ज तो नहीं हो रहा है। आपके बच्चे के पास अगर फोन है, मोबाइल है और उसको व्यू कर रहा है, तो कहीं ऐसा तो नहीं, आपको ध्यान देना पड़ेगा किस तरह की साइट्स को वो व्यू कर रहा है, बिकॉज इस एज में राइट एंड रॉन्ग के बारे में बच्चा सीख रहा है, वो अपनी सेक्सुअल मैच्योरिटी के बारे में जानने की कोशिश कर रहा है, बट दिस इज नॉट एन एज अप्रोप्रिएट बिहेवियर। अगर आपका 7-8 साल का बच्चा इस तरह की एक्टिविटीज देखने की कोशिश कर रहा है, जानने की कोशिश कर रहा है, इस तरह के बिहेवियर में इंडल्ज हो रहा है, तो इट इज नॉट एन एज अप्रोप्रिएट बिहेवियर, सो दैट इज टू बी नोटिस्ड। आपको ये भी देखना पड़ेगा नेक्स्ट थिंग कि बच्चा गुस्सा कितना हो रहा है, उसका गुस्सा इतना अत्यधिक तो नहीं बढ़ गया है कि वो अपने सेल्फ इंजूरियस बिहेवियर करने लगा है, अपने आप को हार्म करने की कोशिश करता है या सामने वाले को हार्म करने की कोशिश करता है, कि इतना ज्यादा किसी चीज को लेकर अपसेट हो जाता है कि सुसाइडल आइडियाज उसको आने लगते हैं, सुसाइडल थॉट्स आने लगते हैं, उस तरह की बातें करने लगता है कि इससे अच्छा तो मैं घर छोड़ के चला जाता हूँ, इससे अच्छा तो मैं मर जाता हूँ, मैं मर जाता तो अच्छा रहता। इफ ऑल दीज थिंग्स आर हैपनिंग, इट इज एन अलार्मिंग सिचुएशन दैट यू नीड टू टेक केयर ऑफ योर चाइल्ड। दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स जनरली जो देखने में आती है एक प्रॉब्लम चाइल्ड के अंदर। So in my next video, I will talk about how to manage these things. अगर ये सारे behaviors बच्चे में देखने में आ रहे हैं, तो हम इन behaviors को कैसे manage कर सकते हैं? Till then, take care.